ये किसानों का धन दुगना करने का जो कानून बना रहे हैं उसके पहले इन्होंने क्या किया, किसानों का धन दुगना किया। जो यूरिया कांग्रेस की सरकार में 200 रुपए में 50 किलो मिलती थी, 5 किलो कम कर दिया, 45 किलो यूरिया 300 में बेच रहे हैं। ये उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं, न कि किसानों का हित चाह रहे हैं। 50 किलो की डाई 45 किलो की बोरी हो गई, दाम बढ़ा दिया, उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं। कृषि बिल जो 3 ले आए हैं, आप जान जाओ उसके विषय में भी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि बिल की प्रतियां फाड़ दी, क्या कागज फाड़ने से कानून खत्म हो जाता है? अरविंद केजरीवाल की इस कार्य पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल ने जो किया वो सही किया, हम उनका समर्थन करते हैं, इतना तय करते हैं कि विरोध दर्ज कराने का तरीका है आदमी का अलग अलग। वो चाहते हैं कि अगर देश में किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हाथों ना जाए तो वो फाड़े हैं तो अच्छा किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर देश में आज भी सरकार ने 1863 रुपया धान का रेट तय किया है और किसान धान बेच रहा है 1100, 1200, 1900 में, कौन सा कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए? सरकार का किसान तो यही कह रहा है कि हमारे एमआरपी पे जो आप तय करो, एमएसपी तय करो कि 1863 है, अगर दूसरा कोई लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानून हो, कोर्ट जाने का पावर हो। आप पाबंदी लगा रहे हो, कोर्ट नहीं जा सकते, हम कानून नहीं बना सकते। अगर वो फाड़ा है इस मामले पर तो सही किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, ओवैसी को बीजेपी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल वोट कटवा बताते हैं, ममता बनर्जी ने तो उन्हें जो है बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था बीजेपी का टिकट लेके लड़ने वाला एमएलए कोई नहीं मिलता था, ये झोरा में लेके भी बाहर घूमते थे, हम किसी को थमाते थे, लोग फेंक देते थे, नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे। जो काम आज ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वही काम बीजेपी ने किया, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया, 36 दलों को मिलाया, तब दिल्ली में सरकार बनी, तब लोग टिकट मांग रहे हैं, तब सरकार बनी है। ये तो जरूर है कि हम अलग अलग लड़ रहे थे, ओवैसी जी अलग लड़ करके 60,000 वोट पा रहे थे, हम अलग लड़ करके 25,000 पा रहे थे, कुशवाहा जी अलग लड़के 15,000 पा रहे थे, चौहान जी लड़ करके 5,000 पा रहे थे, पाल प्रजापति लड़के अलग पा रहे थे। जब सबका वोट जोड़ा जा रहा है तो 100 में 70 वोट हमारा है, 100 में 70 वोट है, इस नाते सब परेशान है, चाहे ममता दी वहां बंगाल में परेशान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा परेशान हो, चाहे देश में परेशान हो, 18% वोट का मालिक है ओवैसी, इस नाते लोग परेशान हैं। 45% अगर यादव